The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap? Dosto, aaj baat karenge mask ki. कि COVID-19 जो है आता है जाता है, आता है जाता है। कोरोना जो है कभी यहाँ आ रहा है, कभी चाइना में भवाल मच रहा है। देख रहे होंगे आप वीडियोस जो कई सारे आ रहे हैं, इंडिया के अंदर मास्क पहनने की कंपल्शन जो है हटाई जा रही है। फिर कहते हैं इतने केस आ गए, फिर कहते हैं ये हो गए। तो अल्टीमेटली आज सिर्फ कोविड ही नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आ रही हैं दुनिया भर से। सो मास्क का करना क्या है, मास्क पहनना है कि नहीं पहनना है, और सबसे बड़ी बात, अगर पहनना शुरू करना है तो कब से पहनना शुरू करना है, ये सब आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मास्क का करना क्या है। राइट, पहले समझते हैं मास्क जो है। और मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन, ये आप ही का चैनल है। अगर अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मास्क पहनना क्यों है। अगर आप मास्क पहनते हैं तो पब्लिक प्लेस में और आपको इन्फेक्शन होने से और आपसे दूसरे को इन्फेक्शन होने से ये बचाता है। 100% बिल्कुल जीरो इन्फेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। ये नंबर ऑफ ड्रॉपलेट जो आपके मुंह से जो स्प्रे निकलते हैं वो कम कर देता है, और आपके डायरेक्ट जो नाक में आपके मुंह के अंदर से जो आप इनहेल कर लेते हैं, वो ड्रॉपलेट जो हवा में फैलते हैं उनको कम कर देता है। तो इससे ये होता है कि या तो आपको इन्फेक्शन छोटा होगा या तो नहीं होगा, होगा तो माइल्ड होगा, वायरल लोड कम हो जाता है। तो 100% गारंटी नहीं होता कि मास्क पहनोगे तो इन्फेक्शन नहीं ही होगा, क्योंकि कोविड जो है वो क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है। जितना आप एक दूसरे के पास रहते हैं, वो एक दूसरे के पास केवल 10 मिनट 15 मिनट, अलग अलग वायरस का अलग अलग टाइम होता है। 10 मिनट एक साथ बैठे हैं बात कर रहे हैं हो गया, 15 मिनट बैठे हैं हो गया, एक दूसरे से बात करने से भी आपके मुंह से निकलता है, नाक से निकलता है, रेस्पिरेशन से भी निकलता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स मुंह के अंदर से स्प्रे किसी ने छींक दी, खांस दी तो और ज़्यादा निकलता है, और वो हवा में फैलता है, थोड़े बहुत हवा में तैर सकता है, और आपके सांस की नली से, आपके मुंह के अंदर से, आपके हाथों में कहीं टच करके आपने आंखों में मुंह में लगा दिया तो आपको जा सकता है। मास्क पहनने से ये फायदा होता है कि आप अपने मुंह को, नाक को, फेस को ज्यादा टच नहीं करोगे। मास्क के ऊपर टच भी नहीं, ऐसे नहीं कि लोग, कई लोग मास्क पहनते हैं यहीं से ऐसे करते रहते, कोई फायदा नहीं है फिर, है ना। मास्क को ऊपर से टच नहीं करते, तो अज्यूम कि मास्क के ऊपर अगर पहनते हो मास्क तो उसके ऊपर लगा है वायरस, ऐसा सोच के चलना है। कोविड नहीं है, अगर आपके एरिया में मास्क पहन रहे हो तो दूसरा वायरस हो सकता है। मास्क पहनने का ऑब्जेक्टिव क्या है, CDC रेकमेंड करती है कि 2 साल से नीचे हो तो मास्क नहीं पहनना, 2 साल से ऊपर है तो मास्क पहनना है, और वो डिपेंड करेगा आपके कम्युनिटी में, यानी आपके इलाके में, जैसे दिल्ली के इलाके में या आपके मुंबई के इलाके में, वहां पर कितने कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड मतलब कोरोना कितनी फैल चुका है, कितनी तेजी से फैल रहा है। अगर आप ये सुन रहे हैं कि दिल्ली में बहुत तेजी से फैल रहा है तो आपको पहनना चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं कि दिल्ली में है ही नहीं, कोई केस नहीं मिल रहा, तो दैट मीन्स इट्स अ लो कम्युनिटी स्प्रेड, कोई केस नहीं मिल रहा, इक्का दुक्का केस है, जो थोड़े बहुत केस है। तो लो कम्युनिटी स्प्रेड केस में, आपके केस में क्या करना है फिर, वो आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस। पहनना पहनो, नहीं पहनना मत पहनो। वेयर अ मास्क बेस्ड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस, बेस्ड ऑन योर पर्सनल लेवल ऑफ रिस्क। कई सारे लोग होते हैं जिनको एक्चुअली कई एलर्जीज होती है, छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन भी, दूसरे भी वायरस हो जाते हैं। 200 से ज्यादा प्रकार के फ्लू वायरसेस हैं भैया, ये समझ लो, और गर्मी में भी होते हैं, ठंड के मौसम में भी होते हैं। सो वायरस एक अकेला नहीं है। अगर वैसे ही बचने बचाने के लिए पहनना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो कंपलसरी हुआ वो अलग बात है। सो इस चीज के लिए, लो कम्युनिटी स्प्रेड है तो इट्स अ चॉइस। मीडियम कम्युनिटी स्प्रेड है, यानी कि आप जैसे बात खोल रहे हो, 1000 केस आ गए, 100 केस आ गए, थोड़े बहुत केसेस आ रहे हैं, और वो केसेस डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े एवरेज की मात्रा में रह रहे हैं। अगर डबल चौबल ट्रिपल होते जा रहे हैं तो अलग बात है, फिर वो हाई कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा। मीडियम कम्युनिटी स्प्रेड में वो लोग जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है, या जो लोग सीवियर बीमारी के रिस्क में है, यानी कि जिनके लंग पहले से खराब है, हार्ट पहले से खराब है, बहुत ज्यादा क्रोनिक डिजीजेस हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, वो अपने डॉक्टर से बात करें, प्रिकॉशंस लें, और जब भी बाहर जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, मास्क पहने, हॉस्पिटल जाते हैं मास्क पहने, ये इंपॉर्टेंट है मीडियम कम्युनिटी स्प्रेड में। और अगर आपको कोई सोशल कॉन्टैक्ट है ऐसे लोगों का, आप कॉन्टैक्ट में रहते हो कि भी आप जाते हो अपने बुजुर्गों से मिलते हो जो बहुत बीमार रहते हैं, तो उनके पास जाने से पहले आप मास्क पहनो, ये जरूरी है, ठीक है। इवन आप उसके जाने से पहले अपना टेस्ट कर सकते हो, होम किट टेस्ट के, मेरे को वायरस तो नहीं है, वो भी कर सकते हो। हाई कम्युनिटी स्प्रेड अगर हो रहा है, यानी कि दिन दोगुनी रात चौगुनी नंबर बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, पता है आपने देखा हुआ है, तो ऐसे में फिर आपको एक मास्क ही नहीं, वेल फिटिंग मास्क की जरूरत होगी, जो यहां से भी पूरा मस्त पैक हो और यहां से भी पूरा पैक हो और बढ़िया से कहीं से भी खुला ना हो, ये जरूरी है। सो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, वैक्सीन लगाना नहीं लगाना आपकी चॉइस है, लेकिन आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, आपने मास्क पहनना चाहिए,
चाहिए, ये भी आपकी चॉइस है, कंपलसरी नहीं है, रिकमेंडेशन है ये, ठीक है, रिकमेंडेशन है। सो जिनकी ज्यादा रिस्क है, ग्रेटेस्ट रिस्क है अगर आपको सीवियर इलनेस का, उनको इवन घर में भी अपने मास्क पहनने चाहिए, और दे शुड वेयर, अगर आप क्राउडेड स्पेस में जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा ये आपने N95 मास्क या फिर रेस्पिरेटर्स पहनना चाहिए। अगर आप मान लो हॉस्पिटल जाते हैं, आप मेट्रो में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, ऐसी जगहों पे, घर में नॉर्मल मास्क भी पहन सकते हैं अगर आप उस एरिया में बहुत ही ज्यादा फैल गया है तो। रिगार्डलेस ऑफ दिस, अगर आपको कोई भी कम्युनिटी स्प्रेड हो, लो हो, हाई हो, कैसे भी हो, अगर आपको COVID-19 के जैसे सिम्टम है, अगर आप किसी COVID-19 पॉजिटिव के पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए हो या आपका COVID-19 पॉजिटिव आया है, तो आपको मास्क पहनना ही चाहिए और घर पे रहना चाहिए ताकि आप ना फैला दो किसी को। ये बेसिक रूल्स है। मास्क पहनना, तो कौन सा मास्क पहनना है, अगर लो कम्युनिटी स्प्रेड है तो नॉर्मल फेस मास्क भी चलेगा, नॉर्मल सर्जिकल मास्क भी चलेगा, लेकिन मास्क फिटेड होना चाहिए, कंफर्टेबल, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यू शुड बी कंफर्टेबल, वन दैट फिट्स यू कंफर्टेबली। मास्क में अगर आपको घुटन हो रही है तो कोई लॉजिक नहीं है वो मास्क पहनने का, ठीक है, घुटन नहीं होनी चाहिए, वैसा घुटने वाला मास्क नहीं पहनना है। तो इट शुड फिट स्नगली ओवर योर नोज एंड माउथ, और दोनों साइड से सिक्योर होके, चिन के अंदर सिक्योर होना चाहिए। नोज वायर वाला मास्क लीजिए, और अगर आपके कोई ग्लासेस वासेस चश्मा पहनते हो, एंटी फॉगिंग ग्लास भी आप स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, मगर कंफर्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं मास्क से सर सांस नहीं आता और बीमारियां होती हैं, साइड इफेक्ट होता है, वो इसलिए होता है कि आप बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी वाला मास्क हमेशा पहनते रहते हो। अब कोई बंदा सिर्फ N95 24 घंटे पहनेगा तो दिक्कत होगी, उसकी जरूरत तब है जब आप एक्चुअली उस हाई रिस्क एरिया में हो, जैसे हम हॉस्पिटल में हम पहनते हैं, जब हम हॉस्पिटल नहीं जाते हम नहीं पहनते, इट्स अ सिंपल थिंग, है कि नहीं। सो वैसे ही आपको चूज करना है, एक प्रोफेशनल मास्क N95 वाला मास्क आप पहन सकते हैं, या KN95 मास्क, जो हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स को, वो पूरा करता है। अगर कपड़े वाला मास्क पहनना है तो एटलीस्ट दो लेयर की क्लॉथ होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि उससे भी सांस नहीं आ रही, बहुत ही टाइट बांध दिया, ये भी दिक्कत वाली चीज़ है। सो कपड़े होने चाहिए, और बीच से थोड़ा ढीला हो चलेगा, लेकिन फिट होना चाहिए, यहाँ से बीच से ढीला, साइड से फिट। क्या होता है, ऐसा टाइट बांधोगे इवन इफ इट इज ट्रांसपेरेंट क्लॉथ, घुटन होगी, दबाव की वजह से घुटन होगी, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप उसे धो सकते हैं कपड़े वाले मास्क को, ड्रायर में, वॉशिंग मशीन में, और इवन अगर आपको ज्यादा इश्यू लग रहा है, डर लग रहा है, हॉस्पिटल जा रहे हो, ऐसी जगहों पे बहुत फैला हुआ है, तो एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क नीचे पहनो, उसके ऊपर दो कपड़े का लेयर लगाओ, जाओ, टेंशन मत लो, ठीक है, डबल लेयर आ जाएगा, एक लेयर दो लेयर, राइट। रेस्पिरेटर एंड ऑल वो भी यूज कर सकते हैं अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, और यू कैन कस्टमाइज योर मास्क, आपको कान में लगाना है, ऊपर से पूरा लेना है, इधर से मास्क चाहिए ऐसा शेप वैसा शेप, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना है कि वैल्व वाला मास्क नहीं यूज करना, बिकॉज वैल्व वाला जो मास्क होता है उससे आपके, अगर आपको इन्फेक्शन है तो वो धुआंधार तरीके से बाहर वायरस चला जाएगा, राइट। और अगर आपको बियर्ड है तो ऐसा मास्क लीजिए जो थोड़ा बड़ा साइज का हो और फिट होता हो वो, ताकि बियर्ड के अराउंड रहे, इन इधर केस अगर वो बहुत अच्छे से फिट नहीं भी हो रहा तो एज कंपेयर टू नो मास्क, सम मास्क विल स्टिल हेल्प यू अगर केसेस ज्यादा हो रहे हैं तो। अगर आप कोल्ड वेदर में है, कोल्ड वेदर में स्कार्फ पहनना है या कुछ पहनना है, तो वो भी आप सर्जिकल मास्क पहनो, उसके ऊपर स्कार्फ पहनो अगर आप हाई रिस्क वाले एरिया में। फेस शील्ड जो है वो अब यूजलेस हो गई है, वो दे आर नॉट रिकमेंडेड इन प्लेस ऑफ फेस मास्क। फेस मास्क लगा के फेस शील्ड लगाए दोनों चलेगा, पर सिर्फ फेस शील्ड लगा के घूम रहे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है उसका। सो मास्क जो है, एक तो उसको पहनने के लिए, ऐसा नहीं कि उसको ऊपर से हाथ लगाए जा रहे, कोई फायदा नहीं। तो वॉश योर हैंड्स बिफोर प्लेसिंग द मास्क, वरना क्या होगा, मास्क लगाते हुए ही आपने मास्क के ऊपर वायरस लगा लिया। वॉश योर हैंड्स और सैनिटाइज योर हैंड बिफोर प्लेसिंग द मास्क, एडजस्ट द मास्क ताकि वहां कोई गैप नहीं होना चाहिए, देन डू नॉट टच द मास्क। मास्क निकालना भी है तो यहां से निकालना, यहां से पकड़ के नहीं निकालना, ऐसे ऐसे एडजस्ट नहीं करना है। अगर निकालना है तो यहां से निकालो, खाना खाना है तो वो उस जगह पे, राइट, एंड देन यू कैन सैनिटाइज योर हैंड्स विद एटलीस्ट 60-70% अल्कोहल, ठीक है। सो जितना टाइम आप हाई रिस्क एरिया में हो या पब्लिक एरिया में हो, मास्क ऑन रखिए। मास्क को स्लिप डाउन करके बात करने की जरूरत नहीं है अगर आप हाई रिस्क एरिया में हो, अगर आपके यहाँ पे कोविड या वायरल इन्फेक्शन फैल रहे हैं, आज कोविड है कल कुछ और होगा, है कि नहीं। सो दे इंपॉर्टेंट रहिए, नीचे रख के कोई बात कर रहे हैं, नाक हटा दिया, ठीक से नहीं पहना, तो इट इज यूजलेस टू वेयर अ मास्क। सो अगर मास्क आपका गीला हो जाता है उसे चेंज करिए, अगर क्लॉथ मास्क है तो उसे लॉन्ड्री बैग में डाल दीजिए, धोने के लिए डाल दीजिए, और अगर आप घर पे आ जाते हो तो मास्क के ऊपर से नहीं पकड़ना, ईयर लूप से या उसके धागे से पकड़ के उसको निकालना है, और उसके बाद में उसको फेंक दीजिए या फिर उसे वॉश में डाल दीजिए अगर वॉशेबल मास्क है तो। अपने मास्क को किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, घर पे तो कतई भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सो डू नॉट, अगर आप 2 साल से नीचे हैं तो बच्चे को मास्क नहीं पहनाना। अगर आपको सांस लेने की वैसी ही प्रॉब्लम है तो आप मास्क नहीं पहने कायदे से, अगर आप हाई रिस्क एरिया में बाहर ही ना जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अनलेस एंड अंटिल आप हॉस्पिटल जा रहे हैं भर्ती होने के लिए, और कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो जो अपना मास्क नहीं हटा पाएगा खुद से, तो उसको मास्क नहीं पहनाना। इट्स रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। और अगर आप किन को मास्क नहीं पहनाना, अगर किसी को
डेवलपमेंटल या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अगर अगर आप गिले होने वाले हो, पूल में जाने वाले हो, बाहर बारिश हो रही है, तो कोई लॉजिक नहीं है। और इंटेंस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिम में हो, रनिंग हो, तो ऐसी जगह पे ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, मास्क पहनने का कोई खास लॉजिक नहीं है। सो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। हल्का फुल्का कपड़े का मास्क या फिर अच्छी वेंटिलेशन रखिए, वहाँ ज़्यादा फायदा। अगर इफ वेयरिंग अ मास्क में कॉज सेफ्टी हैजर्ड्स, यानी कि हीट रिलेटेड इलनेसेस, ऐसी जगह काम करते हो जहाँ वैसी बहुत गर्मी होती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको आ सकती है वहाँ पर, तो फिर आप मास्क मत पहनिए। तो अगर कोई डेफ और डम पीपल हैं जिनसे बात करने में वो सिर्फ आपकी लिप रीडिंग करते हैं, तो उनके साथ मास्क मत पहनिए। ये सब आपको ऑप्शंस हैं मास्क पहनने, क्योंकि मास्क इज नॉट 100% प्रोटेक्शन, इट्स जस्ट अ वे ऑफ एडिंग सम प्रोटेक्शन। ठीक है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ एडिंग सम प्रोटेक्शन टू द वायरस। ठीक है, 100% प्रोटेक्शन वो नहीं देगा, 100% प्रोटेक्शन आपकी इम्यूनिटी देगी, आपकी लाइफस्टाइल देगी। ऐसे सिचुएशन में जब आप मास्क नहीं पहन सकते, यू कैन स्टे एटलीस्ट 6 फीट दूर रहिए लोगों से जितना हो सके, और ऐसे जगहों पे जहां पर वेंटिलेशन है वहां रहिए। और अगर आप मास्क पहनते भी हैं तो कई लोग क्या वो लिप रीडिंग का इशू होता है तो ट्रांसपेरेंट बीच में होता है एरिया, वैसे वाले मास्क भी आते हैं कुछ, तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी आप अपने बीच बीच में हाथ धोते रहिए फ्रीक्वेंटली, और जितनी हो सके हैंड हाइजीन, छींकना वीकना आता है तो हाँ छींकिए, वो आपको पता ही है ना, बार बार रिपीट करके मतलब है। तो ये बेसिक जानकारी है मास्क की। आज के डेट में आपके एरिया में अगर कोविड के केसेस कम है तो वो आपके ऊपर चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। सारे चॉइसेस हमने आपको दे दिए, कृपया इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और अपने कमेंट्स में आप सवाल लिख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।